अरे अब सवरिया रे गोइया चार लाइन भूमिका भैया देख कुरूति अंबर थहराने लगा शर्म में चांद मुंह को छुपाया गगन में आए धरा तेरी छाती फटी क्यों नहीं अरे आज भूले हैं बुलबुल चहकना चमन में धन की लिप्सा में मानो दरिंदा बना कितनी मासूमों को जिंदा जलाया गया मानो मानो के खोली में दानो छुपा बेटी अबलाओं को इतना रुलाया गया मास्टर एगो गजल लगल अरे मुझे पीने की दावत है यारो अरे आज पीने की दावत है यारो चांद पर बैठ कर हम पिएंगे मुझे जीने की चाहत है यारो अरे मुझे जीने की चाहत है यारो धर्म के राह पर हम जिएंगे बीजापुर गांव के निवासी गोलानाथ रहे नहीं थी संपदा धन ही नवे अनाथ रहे बेटी थी लाजोला जवंती लाजवाब रही भरा था अंग अंग हुस्न आप ताब रही फटे हल अंग झाकते गरीबी में दर्जा आठ पढ़ पाई थी बदनसीबी में ए बाबूजी बिरहा के एजे से शुरुआत है ई कहानी मध्य प्रदेश के बीजापुर गांव का है जवन की गोलानाथ काफी ही गरीब रहा न भैया उनकर एगो बिटिया रहेले आ पत्नी रहेले जवन की वो पत्नी बिटिया के साल दो साल पैदा भइले के बाद ही पत्नी का देहांत हो जाला तर्ज लगल भिया जवन जवन कहबा सैया हर मनब जिनगिया में मत जा विदेश रजऊ चढ़ली जवानिया में
पोसेला गरीब अपने रात दिन नसीब के देहला विधाता काई दुखवा गरीब के बिटिया कुआर बामरिज बाबू भैले बिचही भवर में आजीज छोड़ गईले कोई नाही आगे पीछे कोई नाही आगे पीछे रिश्ता करीब के देहला विधाता काई दुखावा गरीब के ए भैया गोलानाथ जो रहते हैं बाबू काफी गरीबी में झेलते हुए रहते हैं। पत्नी का देहांत होने के बाद ए भैया बाबू को भी तबीयत खराब हो जाले और जौन की बिटिया अनाथ हो जाले तब गांव घर के ऊपर बाबू वो लड़की के परवरिश आ जाले। एगो तर्ज लगल हो मास्टर भैया अरे अगला गोए सैया अरे अगला गोए सैया तोहरी नौकरिया ए गोटी कुली बिना तोहरी नौकरिया ए गोटी कुली बिना तारा सवला जियारा मोर ए गोटी कुली बिना ये होवर सयानी भैली ये होवर सयानी भैली लाजा बबूनिया जवानिया में ना सयानी भैली लाजा बबूनिया जवानिया में ना छक चनावा निहार दुलहिनिया के ना झिरका गाँव राजू संगे पड़ाली लगानिया आदर दहे जमीलल सीमित समानिया डोली में बैठी ला जाओ डोली में बैठी ला जाओ कोमल बदानिया जवानिया में ना चनावा निहार दुलहिनिया के ना ससुरे ककल बढ़ल टीवी के करनावा घरवा में राजू रोज मारेला में हनावा लाजो के मोहाल नीद लाजो के मोहाल नीद भैली रहनिया जवानिया में ना झक चनावा निहार दुलहिनिया के ना
ए बाबूजी, जब वह लड़की अनाथ हो जाती है लाजवंती, तो उसके शादी ब्याह की जिम्मेदारी गांव वालों पर आ जाती है। ए भैया, सब लोग लपट के मिल के झिरका गांव में उस लड़की की शादी कर देते हैं, जो कि आदर दहेज देकर उस लड़की की विदाई कर देते हैं। और वह लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो पति राजू, जो उसके पति का नाम राजू बताया गया है, ताना मेहना मारा लगा ला बाबू, काफी कोसर लगा ला वो इस लड़की के कि टीबी ना लिए लू काहे, टीबी काहे ना लिए लू। ए भैया कोसत बा, तर्ज लगल है मास्टर। अरे अखिया मिलावाया गरवा लगावा हमार राजा जी, कोरा हम के उठाला हमार राजा जी, लज दुलहिनिया बोली राजू से बचनिया हमार राजा जी, काहे लेला जिंदगनिया हमार राजा जी, धीरे धीरे बीत गयल साल भर कदीनवा, लाजो के लागल बायती सरा महीनवा, अबीर नया नवा बहावे हिरनिया हमार राजा जी, कहे लेला जिंदगनिया हमार राजा जी, बाबूजी टीबी के शोक में अपने पत्नी लाजवंती को राजू बहुत ही मारपीट करता है, बाबू मारने लगता है और मारपीट करते करते बाबू उसे एकदम घायल कर देता है। ए भैया, मेहना रोज मारा ला वो लड़की के काफी दुख होले, और वह लड़की जो कि गर्भवती हो जाती है, 3 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है, और राजू उसी समय मारपीट करने लगता है बाबू तेरी मास्टर। अरे मोरे राम फूलों की डाली डाली तड़पेना, अरे झरता नीर नयन से चीर जिगर की नाली, फूलों की डाली डाली तड़पेना, अरे अवले बसंताऊ रेले गर दी रे मोरी, अरे देहिया भैला बापी यार हर दी रे मोरी, अरे पी के शराब राजू हर बात बोले सहरी रे भैली, लाजो बबूनिया घरे से बहरी रे भैली, आदि का स्वाद भला बनरा का जानी, आदि का स्वाद भला बनरा का जानी,
मूर्खन से हार जाले बड़े बड़े ज्ञानी, अरे चहुअर अनहार बासु जे न डागरी रे भैली, लाज बबूनिया घर से बारी रे भैली, गैया के नैया पीटे करली रुदानावा, तन को रहम नाही पपिया के तनावा, भैली अचेत फेंके बिचर हरी रे भैली, लाज बबूनिया घर से बहरी रे भैली, ए बाबूजी वो लड़की को अपनी पत्नी लाजो को जो कि राजू काफी ही मारता पीटता है बाबू, एक दिन इतना मार मार देता है कि वह घायल हो जाती है, ए भैया लड़की लाजो को वह मरा हुआ समझकर ले जाकर बाबू रहर के खेत में फेंक देता है। अब भैया जब रहर के खेत में फेंक दे वाला तो ओजय गांव का औरत शौच करने जाती है, बाबू शौच करे आवनी तो देखली कि ये कौन औरत बात बाबू, वो औरत का खबर बतावनी जेके कि गांव वाले लोग मिल के प्रशासन वाले मिल के लोग राजकीय अस्पताल में वो औरत के ले जाके भर्ती करा देवाने विदेशिया कर। अरे दुखवा गरीबिया के हदीनावा पहाड़ भैल, हर बिरथा बेटी के जनमावा ये बाबूजी, अरे बेटी बिना होला नाही सृष्टि कर रचनावा हो, हर वेदवा में लिखल बाबी धनावा ये बाबूजी, है बेटी भैली आज अरे बलि का बकरिया हो, चढ़ के दहेजा बलि दनावा ये बाबूजी, अब बेटी के खबर सुनी अब बाबू गस खाई गईले, हर पिजड़ा से उड़ल बासु गनावा ये बाबूजी, ए बाबू राजू ले जाकर अपनी पत्नी को ही धर्म पत्नी को मार के रहर कर खेत में फेंक देता है बाबू, और सभी लोग उसे अस्पताल में राजकीय अस्पताल में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराते हैं जहां उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है, और उसके पेट में उस समय 5 माह का बालक भी हो जाता है। ए भैया ये बिरहा का मेन लक्ष्य है कि नारी समाज नारी सम्मान बेटी सम्मान ही भारत देश की सम्मान है। ए भैया आज वो लड़की का इतनी बुरा हाल करके बाबूजी दहेज के चक्कर में उसका पति उसे मार पीट कर बाबू जब फेंक देता है तो उसके धर्म के पिता जो गांव वाले रहते हैं बाबू वो सुन के एक जानी बुजुर्ग रहना जेकर प्राण पे खेरू उड़ जाला भैया, हार्ट अटैक हो गल भैया, और दुख में अपने दुख में के बिरह में भैया वो सुनले तो फिर ओकरे बाद भैया पापट लगल है भैया बजावा।
अरे करे समाज में राजू तब मन मानी पानी बिगड़ल बा। अरे कई के सगाई लाया दूसर रानी पानी बिगड़ल बा। अरे मिला दहेज में टीवी पंखा गर्व से छाती फुलाया है। चाल बाज नारी के नाम खेत बाग लिखवाया है। अरे जिंदा कैला से उड़हरी का कहानी पानी बिगड़ल बा। गोरिया बेचया पर रोज जवानी पानी बिगड़ल बा। ए बाबूजी, वो औरत के मरद समझ के राजू तुरंत भैया दुई दिन ना बीतला जाए के दूसर की शादी कैले वाला। और उ तो औरत अस्पताल में भर्ती हो जाले। ई तो जानला कि उ तो मर गिल सियार माकर खाए गल हुई है। दूसर का बियाह जाए के बाबू कैले वाला। आ जब उ दूसर की आवले तो खूब टीवी पंखा कूलर फैन कुल मिलाला भैया। जब पावल आते आवे के ऐसन बैंड बजावे प्रेम के मोहब्बत में होके के भैया कुल खेत बारी और बगीचा कुल ओकरे नाम से लिख दे वाला। आ जब नाम लिख दे वाला तो अपन खेला देखावे शुरू करेले। ए भैया लगेले खेला देखावे तमाम प्रेमी ओकर लगन दौड़ा हो गई घरे में। ई देख के बहुत दुखी होला प्रमाण आला कभी। केहू का मिटाई जग में हर केहू का मिटाई जग में विधि का विधानवा ये बाबू। लिखे जवन विधि उ है फरे लाली लार। अरे बड़ा दुख देला यही समय के समैया ये भैया। समय से राम रावण कैले तकरार। वैसे समैया आइल राजू के समन माय भैया। पियला शराब राजू हो गई ले बेकार। अरे गुस्सा में राजू अपन छोड़ दिहल घरवा ये भैया। महंगा बटी भी दहेज सरकार। यह बार घर बेची नारी भाग गई भैया। एक्सीडेंट राजू के भयल बाबरियार।
केहू जग का लिखल विधि का विधान ना बदल सकते भैया। वह लाजो जो कि जिसे मार कर राजू फेंक देता है वो उसी अस्पताल में भर्ती रहती है। ये भैया आई पूरा दूसर की औरत के नावे जब खेत बारी लिख देवा ना तो बेच बाज के खेत बारी फरार हो जाले। आ जवन की शराब राजू पी के इतना ही खराब हो जाना जवन की उनकर माथा के एकदम बिगाड़ देवेले। औरत के चल गईले दूसर की औरत के गईले के दुख में राजू काफी दुखी होके शराब रातों दिन पिए लगा ना। एक दिन पियत पियत हाईवे पर चल जाना बाबू नशा में धुत रहा ना जवन की ट्रक यलपी ट्रक से धक्का लग जाला और राजू को जवन दाहिना हाथ कबर जाला भैया। आ संजोग देखा कि प्रभु का विधान देखा कि जौने अस्पताल में पहल की औरत के मार के जौन रहरिया में फेंकले रहन वही अस्पतालवा में उभरती बा जहां इनके उठाए के ले गई न प्रशासन वाले। ए भैया इनके देखने तो डॉक्टर साहब के वो औरत जौन पहल की बा इनके देख के चिन्ह गई कि तो हमारे आदमी हुआ। डॉक्टर साहब से पूछे ले कि ये डॉक्टर साहब का दिक्कत है ये तो हमार पति हुआ हमके भले भगा छोड़ देले हुआ लेकिन ये हमार पति हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो बिटिया इसे खून की जरूरत है अगर खून मिल जाए तो ये बच सकता है। अब भैया वो पहल की औरत अपना जो कि गर्भवती है 5 माह की खून को उतरवा कर दे देती है अपने जीवन को त्याग में करके उन्हें जीवन देती है। खड़ी टेरी भैया अरे हमके ना चाहिए दहेजवा में टीबीसी करी अरे एक दिन आ जाई समैया चुकावे के पड़ी। अरे खून से सनालत पत मिलने अस्पताल में राजू अमूर्छित भैली पत्नी लाजो पति का कटा देख के बाजू। अरे गम से बरसले नजरिया चुकावे के पड़ी अरे एक दिन आ जाई समैया चुकावे के पड़ी। पांच माह का बालक लेकर गोदी में बिलखाती अरे हायर कली कलजुग में अबला ऐसे ठोकर खाती अखुनवा दे दे ले गुजरिया चुकावे के पड़ी। अरे गुरु गणेश जी रामलाल बच्चन बच्चा अनुरागी अकथन करे कभी कलिका गुरु चरण में नहीं लागी। अरे फूलों की डाली डाली तड़पेना अरे यादव चंद्रशेखर से नेह बराबर लागी फूलों की डाली डाली तड़पेना।